देखिए मुख्तार का शव जो है उसके पैतृक आवास पर मोहम्मदाबाद लाया गया है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांदा से शव यहां पहुंच गया है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करके शव यहां लाया गया है। उमर अंसारी जो मुख्तार के बेटे हैं वो अंदर एम्बुलेंस में मौजूद हैं, उसी एम्बुलेंस में शव भी है। यहाँ पे घर के बाहर बैरिगेटिंग कर दी गई है, किसी भी मीडियाकर्मी को अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। जो मुख्तार के समर्थक हैं वो भी बैरिगेटिंग के इस साइड खड़े हैं, उनको भी अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। शाम 4:30 बजे शव जो है बांदा से उनके बेटे जो है मुख्तार के, वो अपने पिता का शव लेके यहाँ की ओर बढ़े थे, और अभी जो है शव यहाँ उनके गाँव मोहम्मदाबाद जो है वो पहुंच चुका है। सुबह 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये उनके परिवार का ही कब्रिस्तान है, उनके नाम की कब्र वहां खुद गई है। वहीं पर मुख्तार को सुबह 10 बजे जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जो घर के बगल का रास्ता है उससे ही जो है एम्बुलेंस अभी आई है, और एम्बुलेंस जो है अब आवास के अंदर जा चुकी है, उसी में शव है। आप देखिए यहाँ पे अभी भारी संख्या में मुख्तार के समर्थक हैं जो खड़े हैं। ये सब पिछले एक दिन से यहीं पर डटे हुए हैं कि आखिर कब सब आएगा। तो वह सब जो है यहाँ पे पहुँच चुका है। कैमरा पर्सन विशाल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मुख्तार 5 बार विधायक रहे, 3 बार जेल से ही चुनाव जीते, लंबे समय से जेल में बंद थे, हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है, मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। लेकिन परिजन जो हैं चाहे जो समर्थक हैं बार बार कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन देके मारा गया है, एक तरह से उनकी हत्या की गई है, इस तरह के आरोप जो हैं परिजन और समर्थक की ओर से लगाए जा रहे हैं।